हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद टूर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 7.3। एंड द क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। मतलब ये जो हमें फिगर्स दी गई हैं इनके हमें क्या लिखने हैं, फ्रैक्शंस लिखने हैं। और उसके बाद ये आपको दो अलग अलग रो नजर आ रही होगी, एक रो ये वाली और एक रो ये वाली। इसमें तो ए बी सी डी ई करके लिखा है, इसमें 1 2 3 4 5 करके लिखा है। लास्ट में इसको हमें इस रो को इस रो से मैच करना होगा। तो मैचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इनके फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके फ्रैक्शन निकालते हैं, तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ देखेंगे कि कितने पार्ट्स हैं इस फिगर में। इस फिगर में है 2 पार्ट्स, तो टोटल कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। और शेडेड कितने हैं, शेडेड है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में काउंट करते हैं कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है, तो हमारा 6 आ जाएगा टोटल नीचे। और शेडेड कितना है, 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/6। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट में कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स है, तो टोटल हमारा नीचे आ जाता है, तो नीचे हमने 9 लिख लिया। अब शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3 शेडेड है, तो ये हमने 3/9 लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट्स है हमारे पास 8, और इसका शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2, तो ये हो गया 2/8। इसी तरीके से इस पार्ट में देखते हैं कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स हैं 4, और शेडेड कितने हैं इसमें, शेडेड हमारे पास है 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है। तो ये हमारी पहला ये रो सॉल्व हो गई है, ठीक है। इस रो के हमने सारे फ्रैक्शन निकाल लिए, अब नेक्स्ट रो के निकालते हैं। नेक्स्ट रो में फिर से हम काउंट करेंगे, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में पार्ट में डिविजन वो है, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 18 हैं। और इसके शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, शेडेड पार्ट कितने हो गए, 6 इसके शेडेड पार्ट है, तो आंसर क्या हुआ, 6/18। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो देखो कितने पार्ट्स हैं इसके टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया टोटल, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 है इसके शेडेड। अब नेक्स्ट करते हैं, काउंट करते हैं सबसे पहले इसके पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा टोटल हो गया 16। और अब शेडेड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 12/16। नेक्स्ट पार्ट में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल है 12, और फिर शेडेड निकालते हैं, शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारा 8/12। नेक्स्ट पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितना है, 16। अब इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हमने निकाला 4/16। अब हमारे पास इन सब के फ्रैक्शंस आ गए हैं, अब हमें इन्हें पेयर करना है, इस रो को इस रो से मैच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या यू कैन से लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी एक दूसरे से मैच हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1/2 तो और पेयर बन ही नहीं सकते, 1/2 का और तो टुकड़े हो ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 4/6 को करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर हो गया 2/3। अब 3/9 का, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 2/8 का भी हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8,
3/4 के नहीं हो सकती। तो हमने इस रो के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए हैं। अब इन फ्रैक्शंस को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो चलिए पहला करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, इन्हें कैंसिल करते टाइम ऊपर नीचे एक ही टेबल से कैंसिल करना है। ये ना हो कि आप इस वाले नंबर को तो 2 से कैंसिल कर रहे हो और इस नंबर को 3 से या 4 से, ऐसा नहीं करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ऊपर नीचे एक ही टेबल से। अब ये होता है 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 9 2 4 जा 8, लेकिन नहीं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये होगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। हमने यहाँ पर इनको लिख लिया है ABCD करके, जो इनके इस रो के फ्रैक्शन है वो उधर लिख लिए और इस रो के फ्रैक्शन इधर लिख लिए। अब देखो किस किस को किस किस से मैच होगा, कौन कौन, देखो ए है 1/2 और यहाँ पे सेकंड इससे मैच हो जाएगा, तो हमारा ये हमने इसके साथ मैच कर दिया। ठीक है, ये हमारा इसके साथ मैच हो गया। अब 2/3 यहाँ है और 2/3 यहाँ है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। अब 1/3 1/3 यानी कि सी जो है फर्स्ट के साथ मैच होगा। डी हमारा 1/4 है, 1/4 हमारा यहाँ फिफ्थ के साथ मैच होगा, और ई 3/4 और ये इसके साथ मैच होगा। यानी कि ए का हमारा आंसर हो गया, ए का आंसर हो गया हमारा, ए किसके साथ मैच हुआ, सेकंड के साथ। बी हमारा मैच हुआ फोर्थ के साथ, ठीक है, और सी हमारा मैच हुआ फर्स्ट के साथ, डी हमारा मैच हुआ फिफ्थ के साथ, और ई हमारा मैच हुआ थर्ड के साथ। तो इस तरीके से ये सारी मैचिंग हमारी कंप्लीट हो गई। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।